वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे लड़कों का जो चमड़ी होता है ना, एक मैसेज भी आया था हमारे पास कि मेरा जो चमड़ी है वो पूरी तरह से नहीं खुल पा रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है, नहीं खुल रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखो, जब एक लड़का होता है वो छोटा होता है, डॉक्टर बताते हैं कि जो वैसे भी देखा भी गया है कि जो लड़के हैं उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो 2 से 6 साल के उम्र में उनके प्राइवेट पार्ट का जो ऊपर का जो चमड़ी होता है, जिसको हम फोर स्किन कहते हैं, वो आसानी से नीचे घिसकने लगता है। जैसे हम मालिश करते हैं बच्चों का, तेल वेल लगाते हैं, फूंकते हैं, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप नीचे खसकने लगता है। 2 से 6 साल की उम्र तक वो आसानी से खिसकने लगता है। लेकिन किसी किसी बच्चों को ये शिकायत होता है उनका जो चमड़ी है वो केवल उनका जो यूरिन पास करने का जो होल होता है उसको छोड़ के पूरा वो चपका ही रहता है, वो पीछे नहीं खिसकता है। और ये समस्या बड़े होने तक रहता है, माता पिता ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वो बड़े होने तक भी ये चीज़ें रहती है। तो क्या करना है, आपका हल्का फुल्का अगर पीछे जा रहा है तो क्या करना है, आपको कोकोनट ऑयल लेना है, उसको धीरे धीरे आप मसाज करके नीचे करने की कोशिश कर सकते हैं, वो नीचे हो भी जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका केवल यूरिन पास करने वाला होल ही बस दिख रहा है और पूरा का पूरा टाइट एकदम वहां पे लगा हुआ है, तो उसको अगर उस टाइप से है, तो इस टाइप की अगर आपको समस्या है तो इसको फिमोसिस कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा घबराने वाली चीज़ नहीं है, आप अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हो। पहले अपने बड़े जो पेरेंट्स हैं उनसे बात कर लो, उसके बाद बड़े किसी अनुभवी डॉक्टर के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको सलाह देंगे। काफ़ी हद तक ये जो फिमोसिस होता है ना, बगैर चीर फाड़ के भी इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये चीज़ बेटर वही बताएंगे कि क्या सर्जरी करके इसको ठीक किया जाए, और फिर बगैर चीर फाड़ के उसको मतलब ऐसी कुछ सलाह दें जिससे वो सही हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि काफ़ी ऐसे लड़के हैं जो हैंड प्रैक्टिस करते हैं, तो जो फिमोसिस की जो समस्या होती है ना, वो हैंड प्रैक्टिस के द्वारा भी मतलब कभी कभी ठीक हो जाता है। लेकिन डॉक्टर इसका सुझाव कभी नहीं देते हैं कि अपने फिमोसिस को आप हैंड प्रैक्टिस के द्वारा आप इस चीज़ को ठीक करो, हस्तमैथुन के द्वारा इस चीज़ को ठीक करो। क्योंकि अगर जो चमड़ी है थोड़ा सा भी कट लग गया या ब्लडिंग हो गई ना, तो यहाँ पे आपको इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, खतरा हो सकता है। तो डॉक्टर इसका सुझाव कभी भी नहीं देते हैं। तो इस टाइप से अगर आपको समस्या है तो जरूर आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से मिलो, वो क्या सजेस्ट करते हैं वो डॉक्टर ही बताएंगे। आपका किस मतलब किस हिसाब से आपका जो फिमोसिस है, किस किस स्टेज पे है, उसको देख के ही वो सर्जरी करने को कहेंगे, या फिर ऐसे भी ठीक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक ऐसे भी ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंस लेने वाली बात नहीं है। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है आपको तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ, मिलें, और इसका सोल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आई होप हमारी बातें समझ में आई होंगी, ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं ऐसी कुछ और वीडियो के साथ। ओके, बाय।